नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक इस्पात एंड पावर प्रोजेक्ट के ऊपर, दोनों ही एक ही साथ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी के बारे में, जिसका नाम है आप देखेंगे तो गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड। तो आज मैं इसके ऊपर बात करूँगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो अनाउंसमेंट जो है वो ऑब्वियसली इन्वेस्टर के लिए है, ट्रेडर के लिए कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज नहीं मिलते क्योंकि ट्रेडर लोग ट्रेड करते हैं, उसमें से वो पैसा कमाते हैं। तो आप एज ए एक ट्रेडर है तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल्स है उसके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंटरडे लेवल का कॉल्स का डिटेल्स मिल जाएगा और इंटरडे लेवल में डेली बेसिस आपको कॉल भी मिल जाएगा। तो मैं आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ उसी से जुड़े हुए एक मतलब टॉपिक के ऊपर, जो फायदा ऑब्वियसली एज ए इन्वेस्टर को होने वाला है। तो जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और जितने सारे लोग निवेश करेंगे तो उसको फायदा मिलेगा। तो कौन सा फायदा मिलेगा, चलो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो भीड़ मतलब पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाना चाहूंगा। तो कंपनी के इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का जो बिजनेस है, आपको बिजनेस देखा जाए तो आप नाम में ही आपको पता चलेगा, गोदावरी पावर एंड इस्पात, मतलब गोदावरी पावर सेक्टर के ऊपर काम करते हैं और साथ ही साथ इस्पात प्लांट के ऊपर भी काम करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का आवर ऑफर्स में जाएंगे तो कंपनी देखिए यहाँ पे जो फ्लेट्स है, साथ ही साथ यहाँ पे स्पॉन्ज आयरन है, पावर है, यहाँ पे देखिए ब्लेड्स है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सिलिकॉन जो मैग्नेशियम मैग्नेसिस है तो उसके ऊपर भी काम करते हैं, HB वायर्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, कंपनी जिस फील्ड में काम करते हैं उसका एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ और भी इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस साइड में विजिट करिए और उसके बाद आपको डिटेल्स मिलेगा। जैसे देखिए गोदावरी पावर एंड इस्पात इज, यहाँ पे देखिए मेनली यहाँ पे देखिए एंगेज इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग आयरन ऑरी, मतलब एक माइनिंग कंपनी में बोल सकते हैं। तो आयरन ऑरी इसे माइनिंग करते हैं, तो आयरन ऑरी से देखा जाए तो जो स्टील है उसको बनाए जाते हैं, यानी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आयरन और यहाँ पे देखिए प्लेट्स, स्पॉन्ज आयरन, स्टील ब्लेड्स एंड वायर रोड्स एंड HB वायर्स। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करते हैं, तो उसका भी कंपनी का प्रोजेक्ट है। तो कंपनी का एक इन्फॉर्मेशन से ही आपको पता चला चला कि कंपनी एक्चुअली कौन सा फील्ड में काम करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी इसका रेवेन्यूज आते हैं माइनिंग सेक्टर से, तो इसीलिए इसका कंप्यूटर आप देखेंगे तो स्टील एंड स्टील इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो आप कहेंगे सर स्टील इंडस्ट्रीज, यहाँ पे तो स्टील मुझे नहीं दिखाई दिया, जो आयरन ऑरी है तो आयरन ऑरी जो है उसी से ही स्टील बनते हैं। तो उसको मतलब मैन्युफैक्चरिंग करके उसको मतलब उसके वो ही चीज के ऊपर स्टील बनते हैं, तो इसीलिए कंपनी स्टील इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। मगर स्टील इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो बहुत सारे इसका कंपटीटर है, जो एक मीडियम एंड स्मॉल टाइप कंपनी है, तो उसके कंपटीटर के हिसाब से कंपनी बहुत छोटा है, 4,200 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ उसका चार्ट पैटर्न आप दिखा दूँ तो 2009 में इसका कंपनी का प्राइस था अराउंड अराउंड 60 रुपीज़ के आसपास। तो उसके बाद देखिए बहुत टाइम पीरियड के मतलब टाइम पीरियड में कंपनी एक ही रेंज में काम किया। आप देखेंगे कंपनी का जो रेंज था आप एक ही लेवल में इसका रेंज देखने को मिलेगा। तो उसके बाद देखिए 2018 के बाद कंपनी ने एक नया हाई दिखाया और कंपनी करीबन करीबन 50 रुपीज़ के आसपास से कंपनी ने हाई किया, करीबन 600 रुपीज़ के आसपास। तो 600 तक गया 50 से, तो करीबन करीबन आपका फंड देखा जाए तो 10 से 12 गुना तक कर दिया था, 10 से 12 गुना तक। तो चलो इतना तो ठीक था, फिर भी लॉकडाउन के सिचुएशन में कंपनी लगातार गिरावट हुआ और फिर से वो ही रेंज में आकर खड़ा हो गया 100 रुपीज़ के आसपास। और उसके बाद कंपनी ने जो रिटर्न दिया जिसके कारण रिटेल निवेशक इसके ऊपर बहुत भरोसा करना लग गया। तो रिटेल निवेशक के भरोसा करना भी चाहिए क्योंकि उसको इस तरीके से रिटर्न जो मिला, 100 रुपीज़ से कंपनी गया था कितना, 1,800 रुपीज़ के आसपास, करीबन करीबन 18 मतलब आप देखेंगे तो 18 गुना कंपनी आपको रिटर्न दिया। तो यही एक कारण है जो इस कंपनी के ऊपर लोग पसंद करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ आप देखेंगे, उसके बाद लगातार गिरावट, यहाँ पे कंपनी ने डिसाइड किया चलो कंपनी के ऊपर स्प्लिट करना चाहिए। तो कंपनी 1:5 रेशियोज में कंपनी ने स्प्लिट किया। तो चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, हाँ फेस वैल्यू 5 रुपया है, सॉरी 1:2 रेशियो में स्प्लिट किया।
तो एक के बदले दो शेयर मिलेगा, इस तरीके से अनाउंसमेंट कंपनी ने किया। तो उसके बाद देखिए कंपनी ने यहाँ पे गिरावट हुआ, और मतलब गिरावट नहीं, यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ प्राइस का, और अभी उसी लेवल में काम कर रहा है, 300 रुपीज के ही आसपास काम कर रहे हैं, 500 से 300 इसी लेवल में कंपनी काम कर रहे है बहुत दिनों तक, और वो भी कौन सा टाइम से आप देखेंगे तो 2021 और अक्टूबर मंथ से कंपनी 2021 से आज अगस्त मंथ 2022, तो मतलब 1 साल के टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो कंपनी उसी रेंज में अभी चल रहा है। तो अभी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, क्या जो गुड न्यूज कंपनी देने वाला है तो उसके कारण निवेश करना चाहिए? तो चलो मैं गुड न्यूज आपको दिखा देता हूँ। तो गुड न्यूज क्या है कंपनी, ऑब्वियसली गुड न्यूज जो है कंपनी का डिविडेंड, कंपनी यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला है। ऑब्वियसली देखिए कंपनी 25th, मैं आपको डेट बता रहा हूँ, 25th अगस्त, इस डेट से पहले एक दिन पहले मतलब 24th अगस्त इस डेट में आप शेयर खरीदारी कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना होगा, क्योंकि इस बात को आपको याद इसीलिए रखना होगा क्योंकि जब आप कोई भी अच्छे कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं, कोई मतलब ऐसे कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, एक्स्ट्रा फायदा मिले, तो उस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। फिर भी डिविडेंड के लिए किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो आप गलत जा सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड तो गवर्नमेंट कंपनी साल भर में चार चार बार डिविडेंड देते रहते हैं। फिर भी क्या मैं कहूँगा गवर्नमेंट कंपनी बेस्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो डिविडेंड इसीलिए देते रहते हैं क्योंकि उसको लगता है कि डिविडेंड मैं ना दूँ तो लोग जितने सारे इन्वेस्टमेंट मेरे पास करके रखे हैं कल वो माल बेचकर भाग जाएगा, क्योंकि बहुत सालों तक उसको तो कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला। अगर गवर्नमेंट कंपनी देखेंगे 10 सालों में कंपनी ने अब क्या दिया, रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न, तो लोग कहाँ से रहेंगे? तो लोगों को तो मन में इंस्पायर होने के लिए कुछ भी ना कुछ तो देना पड़ेगा, तो इसीलिए कंपनी डिविडेंड देते रहते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी कंपनी डिविडेंड दे रहा है, तो कंपनी पिछले बार जो डिविडेंड दिया था करीबन करीबन आप देखेंगे तो कंपनी ने 2011 में, सॉरी 2021 में अगस्त मंथ में, 1 साल पहले भी कंपनी डिविडेंड दिया था सेम टू सेम इसी टाइम में अगस्त मंथ में, और वो भी 13 साढ़े 13 रुपीज था, और कंपनी का मतलब इस बार कंपनी 8.5 रुपीज का डिविडेंड दे रहा है। तो अभी कंपनी के बारे में बात कर लूँ तो कंपनी कितना खास है, चलो वो दिखा देता हूँ। पहले मैं एक बार आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, RR में जरूर कह दूँ, क्योंकि जितना रिस्क उतना ही रिटर्न कंपनी आपको देते रहेंगे। इस कंपनी रिस्क बहुत है, आप रिस्की प्लेयर है तभी ठीक है, अगर रिस्की प्लेयर आप नहीं है तो आप बिल्कुल इस कंपनी को अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि बहुत हाई रिस्की कंपनी है। आप खुद ही देख चुके हैं जो कंपनी 1800 में चल रहा था आज वो 300 में चल रहा है, सोचिए। जो लोग तो खुश होकर 1800 में निवेश कर दिया, और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किया, सर मेरे पास 1500 में इन्वेस्टमेंट था, आज वो कंपनी 300 में चल रहा है, क्या मैं अभी माल बेच दूँ? देखिए माल बेचेंगे कि आपके पास रखेंगे वो आपको डिसीजन लेना होगा। आपको मैं हर डिटेल से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उस डिटेल से आपको डिसीजन खुद मिल जाएगा, क्योंकि देखिए मैं कंपनी की खराब नहीं कहूँगा, कंपनी में दम है, जबरदस्त दम है। क्यों दम है चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बात कंपनी का कर्जा, मुझे अच्छी अच्छी बात जो लगा, कंपनी का कर्जा कंपनी का इनकम के हिसाब से 50% कम है, तो मैं ऑब्वियसली इस कंपनी को डेट फ्री जरूर कहूंगा। तो कर्जा मुक्त मैं जरूर कहूंगा, कर्जा है छोटा मोटा उसको मिटा पाएंगे क्योंकि कंपनी का इनकम जो है वो अच्छी है, साथ ही साथ कंपनी का हाथ में कैश भी स्टॉक है अच्छा खासा, 700 करोड़ का। कंपनी देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय मुझे बेस्ट लेवल में लगा, और ये दोनों चीज आपको हमेशा चेंजिंग होते देखने को मिलेगा, क्योंकि हमेशा वो यही चीज चेंज इसीलिए होता है कंपनी का प्राइस के ऊपर डिपेंड करके। तो कंपनी का देखिए ऐसे नहीं कि कंपनी ने सेल्स कम किया, बिल्कुल अच्छे खासा सेल्स किया, कंपनी ने प्रॉफिट भी जबरदस्त किया, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आपका साल भर में देखेंगे तो कंपनी लगातार प्रॉफिट करते जा रहा है। बीच में 2016 में और 2017 में दोनों साल में कंपनी ने लॉस किया था, और उसके बाद कंपनी कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट करते जा रहा है। और तीसरी बात कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रिटर्न रेशियो है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 3 साल में 100% का रिटर्न, 5 साल में 64% का रिटर्न, 1 साल 10 साल में कंपनी 26% का रिटर्न। मैं इस रिटर्न को चक्कर में नहीं पड़ने के लिए बोलूंगा, हाँ रिक्सी कंपनी है तो इसलिए इतना ज्यादा रिटर्न भी मिला, तो आप रिक्सी प्लेयर हैं तभी आप इस रिटर्न को चेकअप कर सकते हैं। अगर आप सेफेस्ट जोन में खेलना चाहते हैं तो बिल्कुल इस तरीके से रिटर्न के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये कंपनी उतना सेफेस्ट नहीं है जो आपको कंटिन्यूअसली इस तरीके से रिटर्न दे पाए। आज आप आग इस तरीके से रिटर्न देख रहे हैं, अब फिर से आप 5 साल के बाद इसको रिटर्न चेक कर लेना, इस तरीके से बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी जब बड़ा हो जाता है ना तब कंपनी का रिटर्न का रेशियो एक एवरेज लेवल में आ जाता है, अगर कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है तो।
तो कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए इन्वेस्टर अभी भी उतना भरोसा नहीं करता है। FSDIs तो ना के बराबर माल उठा कर रखा, सिर्फ के सिर्फ पब्लिक्स और प्रोमोटर, इस दोनों के पास ही होल्डिंग है। देखिए प्रोमोटर तो कोई ट्रेड नहीं करता है, प्रोमोटर बिजनेस करता है, और ट्रेड जो करता है कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर जो करता है वो FSDIs और पब्लिक, तो पब्लिक के पास ही सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। इसलिए कंपनी के ऊपर वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि पब्लिक बहुत सारा मतलब ऐसे पब्लिक भी है जो मार्केट को मोनोपोलेट करता है। मतलब मोनोपोलेट मतलब वो कभी भी पंप करता है स्टॉक को, और कभी भी उसको प्रॉफिट मिल जाए तो वो डंप कर देता है, क्योंकि उसके पास बिग इंस्टीट्यूशन बिग प्लेयर्स के पास बहुत सारे पैसा होता है, तो वो इस तरीके से खेल खेलते रहते हैं। तो मैं जरूर कहूँगा आप इस तरीके से खेल से दूरी रहिए, और अगर इस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा है एज ए लॉन्ग टर्म विजन के लिए तो आप कंटिन्यू जरूर करिए। क्योंकि किसी के बात सुनने से पहले मैं भी बता रहा हूँ कि कंपनी में अभी कंपनी इतने सारा मतलब लॉस डाउनफॉल में चल रहा है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा, इसे बिल्कुल भी बात सही नहीं है। मेरी बात भी सही नहीं है कि मैं इसे कह दूं कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा। आप ऐसे मत समझ लीजिए, आपके पास हिस्सेदारी है तो आप पेशेंट के साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी में दम तो है। अभी भी ऐसे फिगर नहीं देखने को मिला कि कंपनी लॉसेस में चल रहा है, कंपनी का हर फिगर लॉसेस में है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी को स्टडी करना, लॉन्ग टर्म विजन के लिए रहना, तभी कंपनी आपको फायदा फिर से दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।